नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बाहर कर समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बीच हुए अप्रत्याशित रूप से गठबंधन के बाद राजनीति काफी तेज हो गई है। सपा बसपा के बाद कांग्रेस ने प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर डाला। ऐसे में बिहार में महागठबंधन में कांग्रेस के साथ शामिल राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रविवार रात लखनऊ में मायावती से मुलाकात की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनावों के लिए महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चर्चा चल रही है और इस बारे में राहुल गांधी से भी बात हुई है। पवार ने बीजेपी पर भी निशाना साधा और कहा कि तीन राज्यों में हार से हैरान होकर प्रधानमंत्री नए नए फैसले कर रहे हैं, ये सब चुनावी जुमले हैं। केंद्र की मोदी सरकार की ओर से हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा के बाद गुजरात आज इसे लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सवर्ण आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को इस बिल को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अपने साथी नेताओं को अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करने की सलाह दी है। गडकरी ने यवतमाल में सालाना मराठी साहित्य सम्मेलन के समापन समारोह में कहा कि नेताओं को अन्य क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, साहित्य और काव्य जगत के लोगों को अपने अपने क्षेत्रों के मामलों को निपटाना चाहिए। जस्टिस ए के सीकरी ने उस सरकारी प्रस्ताव के लिए दी गई अपनी सहमति रविवार को वापस ले ली जिसके तहत उन्हें लंदन स्थित राष्ट्रीय मंडल सचिवालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में अध्यक्षता के तौर पर नामित किया जाना था। माना जा रहा है कि सरकार ने पिछले साल के अंत में सीएसईटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सीकरी के नाम की अनुशंसा की थी। राजधानी दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी को स्थानीय महिला से बहस करना महंगा पड़ गया। दिल्ली के ही एक बाजार में महिला से बहस करने के मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी को समन भेजा। इसके बाद पाकिस्तानी अधिकारी को माफी मांगनी पड़ी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को आर्थिक रूप से बर्बाद करने की चेतावनी दी है। ट्विटर पर ट्रंप ने लिखा है कि हम सीरिया से अमेरिकी सेना को वापस बुला रहे हैं। अगर इसके बाद तुर्की ने कुर्द पर हमला किया तो हम तुर्की को आर्थिक रूप से बर्बाद कर देंगे। ट्रंप ने कुर्दों को भी तुर्की को न भड़काने की नसीहत दी है। बता दें, तुर्की कई कुर्द संगठनों को आतंकी संगठन मानता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए आम लोगों से एक अपील की है। लालू यादव ने एक ट्वीट कर आम लोगों से कहा कि देश की जनता से विनम्र अपील है कि चुनावों का समय आ गया है। जिनकी राजनीति नफरत पर टिकी है वो लोग विभिन्न प्रकार के भय दिखाकर और भ्रम और अफवाह फैलाकर आपके बच्चों और युवाओं को उनके प्राण की आहुति देने के लिए शब्दाडंबरों के द्वारा उकसाएंगे। आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के संयोजक गोपाल राय ने कहा है कि भले ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भाजपा को शिकस्त ना दे पाए लेकिन आपके वोट काटकर भगवा पार्टी के लिए जीत की राह बना देगी। आपने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले की साजिश के मामले में अमेरिका में 14 साल की सजा काट रहे तैमूर राणा को भारत भेजे जाने की प्रबल संभावना है। एक सूत्र ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय सरकार ट्रंप प्रशासन के पूरे सहयोग के साथ पाकिस्तानी कैनेडियाई नागरिक के प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।